श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरि ओम नारायण। अष्टावक्र गीता प्रकरण तीसरा सूत्र 13 अनुवाद। जो जानता है कि यह दृश्य स्वभाव से ही कुछ नहीं है, वह धीर बुद्धि कैसे देख सकता है कि यह ग्रहण करने योग्य है और यह त्यागने योग्य है। फिर से पढ़ते हैं। जो जानता है कि यह दृश्य स्वभाव से ही कुछ नहीं है, वह धीर बुद्धि कैसे देख सकता है कि यह ग्रहण करने योग्य है अर्थात यह त्यागने योग्य है। व्याख्या। अज्ञानी को आत्मा का ज्ञान नहीं होने से वह संसार को ही सब कुछ देखता है, किंतु जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया है वह ज्ञानी को आत्मा की ही संपूर्ण सत्ता ज्ञात होने लगती है। वह संसार को अनित्य मायाजाल भ्रम समझने लगता है, उसे आत्मा ही नित्य एवं सत्य प्रतीत होती है। फिर वह इस अनित्य जगत से क्या प्राप्त करने की इच्छा रखता है? जिसे महान मिल गया, विराट मिल गया, वह शूद्र की क्यों अपेक्षा करेगा? आत्मज्ञानी को यह सब दृश्य जगत स्वभाव से ही कुछ नहीं है एवं सब कुछ आत्मा ही है, ऐसा ज्ञान हो जाता है। ऐसा ज्ञानी इस संसार में न कुछ त्यागने योग्य समझता है न ग्रहण करने योग्य। त्याग और ग्रहण दोनों ही अहंकार के ही रूप हैं। अहंकारवशी संसारी सब कुछ अपने लिए पाना चाहता है एवं उसका त्याग भी अहंकारी है। वह छोड़ता भी है तो पुनः स्वर्ग में मिलेगा, इस आश्वासन पर छोड़ता है। पाखंडी अहंकारी सब कुछ छोड़कर नग्न हो सकता है, किंतु ऐसा भी यदि अहंकार के कारण ही किया गया है तो त्याग नहीं है, मूर्ता मात्र है अर्थात पागलपना मात्र है। छोड़ना पाने की कोई शर्त नहीं है। जहां भी मैं मौजूद है, कर्ता मौजूद है, वहां अहंकार ही है। ज्ञानी त्यागकर्ता नहीं, ज्ञानी त्यागकर्ता नहीं, उससे त्याग घटता है। त्याग होता है, किया नहीं जाता। बहुत अच्छा है, फिर से पढ़ते हैं। ज्ञानी त्याग करता नहीं, उससे त्याग घटता है। त्याग होता है, किया नहीं जाता। वह संसार को कंकर पत्थर से अधिक महत्व नहीं देता, फिर किसका त्याग करे, वह किसको ग्रहण? भोग और त्याग दोनों ही अहंकार के रहते कृत्य हैं। ज्ञानी के लिए दोनों का महत्व नहीं है, ज्ञानी के लिए दोनों का महत्व नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरि ओम नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण।